हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमने मिर्ची काट कर, अरे मिर्ची काटे हैं, ये टमाटर है, ये प्याज है, ये लहसुन है, ये देखिए धनिया पत्ती है, ये देखिए सामने आपको बेसन रखा है। इसमें देखिए हम डालकर, इसको देखिए, ये सब इसमें डालकर हमने इसको सुबह के नाश्ता बनाने जा रहे हैं बच्चे के स्कूल के लिए। वो डालकर हम उसके बाद हम इसको पानी इसमें डालेंगे। इस तरह हम इसको अच्छे से घोल देंगे। बच्चे इसको बहुत अच्छे से मन से खाते हैं। ये ज्यादा तेल वाला नहीं है, आपको हल्का तेल इसमें लगेगा जो को नुकसान भी नहीं करेगा। चना के बेसन के आप उल्टा, एक देहात में उल्टा बोला जाता है। इसकी जीरा है, जीरा को इसमें डाल दिया है। हल्का सा तावे पे देखिए तेल डाल रहे हैं। पूरे तावे पर तेल अच्छे से फैला लीजिएगा, नहीं तो उकचने में दिक्कत पड़ता है, जल्दी उकचता नहीं है। इस तरह तावे पे डाल देंगे, ताए पे डालकर इसको फैला देंगे। इस तरह देखिए अच्छे से फैला देंगे इसको, हाथ से भी देखिए, ऐसे आपका हाथ जलेगा नहीं, इसके हाथ से भी ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए हाथ से भी ऐसे ऐसे आप इसको डुला के अच्छे तरीके से कर दीजिए। अब देखिए इसको हम 2 मिनट तक आप पे छोड़ेंगे। इसको देखिए हल्की हल्की बारी बारी से हम इसको चलाएंगे। बारी बारी से चलाने पे ये टूटेगा नहीं, अच्छे से उकच जाएगा। तरीके से आप बना के इसको खाइए, अपने भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, आपको नुकसान नहीं करेगा। इसके साथ दही से और अच्छे लगता है खाने पे। थोड़ी सा देखिए दही लिए हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।